तो क्या आप भी ब्लूस्टैक को इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन आपके सिस्टम के सी ड्राइव में कोई भी जगह नहीं है? तो आप सिंपली उसको डी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिंपली हम लोग गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे ब्लूस्टैक। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली सबसे ऊपर वाले ब्लूस्टैक मोर देन एंड्रॉयड इम्यूलेटर में क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड ब्लूस्टैक इस पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे ब्लूस्टैक इंस्टॉलर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसको सिंपली ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लूस्टैक का सेटअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है लेकिन आपको इसे यहाँ पे क्लिक नहीं करना, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो लोकेशन है, जो पाथ है ब्लूस्टैक का, वो सी ड्राइव में सिलेक्ट है। तो आपको डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ पे फोल्डर में क्लिक कीजिए, उसके बाद दिस पीसी, और उसके बाद डी ड्राइव में जहाँ भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो उस पाथ को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे ब्लूस्टैक नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सिंपली, और ओके। यहाँ पे देखिए डी ड्राइव सिस्टम ऐप ब्लूस्टैक, ब्लूस्टैक ठीक है, ब्लूस्टैक में ब्लूस्टैक इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल नाउ में क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आपके सी ड्राइव में जगह हो चाहे ना हो, आपका ये ब्लूस्टैक डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।